शहर में स्टडी सेंटरों का जाल फैला हुआ है, जिनकी बदौलत तालीमी अदारों को मंजूरी मिली हुई है, जिनकी बदौलत मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी मिली हुई है, बीएड कॉलेजेस को मंजूरी मिली हुई है, आईटीआई कॉलेजेस को मंजूरी मिली हुई है, डिप्लोमा कॉलेजेस को मंजूरी मिली हुई है, और स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर्स है। आज कितनी भी बड़ी स्कूल हाई स्कूल में आप चले जाइए, प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे को कोई टीचर कंप्यूटर पर बैठने नहीं देगा, लेकिन एहसान इन साहब का, तालीम दोस्त एमएलए साहब का, जिन्होंने शहर के 27 सेंटरों पर कंप्यूटर फ्राहम किया है, जहां पर शहर के हर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और बच्ची कंप्यूटर पर बैठकर बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं आवाज देता हूं कि वो आए और अपने तासुरात का इजहार करें, बड़े ही अदब और उसके साथ में साहब को आवाज। कांग्रेस पार्टी के मालेगांव शहर के नायब सदर नसीम खान साहब, जैनुद्दीन बीए साहब, साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर कारपोरेटर इसराइल कुरैशी साहब, आरिफ खान साहब, तोराब सेठ मास्टर अजीज पहलवान साहब, और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात नौजवान साथी, सबसे पहले मैं ग्रेट एजुकेशन सोसाइटी के सभी हमारे नौजवान साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और अहलियान मोहल्ले की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अदारे की जानिब से इस इलाके में जो हमारी मां बहनों को इलाज के लिए खुसूसी तौर पर औरतों के अमराज के माहिर डॉक्टर का यहाँ पर ओपीडी यहाँ पर आप लोग ने अपने अदारे की जानिब से शुरू किया, मैं आपका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इस इलाके के अंदर आज अदारा चल रहा है ग्रेट एजुकेशन सोसाइटी, मैं इन अदारे के नौजवानों को बहुत करीब से जानता हूं। इन नौजवानों के अंदर बहुत सलाहियत कौम की खिदमत करने के लिए मौजूद है। हम मालेगांव शहर के अंदर बहुत अदारे के अंदर जाते हैं, अदारे का इफ्तिताह भी करते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद वो अदारा हम लोग देखते क्यों बंद हो जाता है। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर ऐसे भी अदारे हैं जो एक मर्तबा आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे पलट के नहीं दिखते, उसमें से एक अदारा ग्रेट और उनके नौजवान। इससे पहले जब 2 साल पहले ये नौजवान मुझसे आकर मिले, हमारी मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने इस इलाके के लिए बहुत सोचा, इस इलाके की नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सोचा, और सर जोड़कर बैठे और मुझसे कहा कि इधर यहां पर इस इलाके के अंदर एक स्टडी सेंटर होना चाहिए। मैंने मेरा एमएलए फंड खालिद बिन वलीद मस्जिद के बगल में ओपन स्पेस के ऊपर स्टडी सेंटर बनवाया, भाई कदा आज अल्लाह का क्रम है कि बन के मुकम्मल होकर वहां पर ट्यूशन चल रहा है। उसके बाद जब मुझको 3-4 रोज पहले फोन आया कि जो हमारी खुद की जमीन है जहां पर ये अभी क्लिनिक का इब्तिदा होगा, तो वहां पर हम लोग इस इलाके के अंदर औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, उसका इब्तिदा है, तो मैंने जरूर उनसे ये बात का वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर खासतौर पर
ये बस्तियों के अंदर अगर बहुत श्रीमंत लोग हैं तो बहुत गरीब भी यहां इस इलाके के अंदर रहता है। और हम लोगों ने, मैं समझता हूं कि पैसे की अहमियत, पैसा कोई अहमियत नहीं है पैसे की। मैं समझता हूं कि कई बड़े बड़े श्रीमंत लोगों ने, अमीर लोगों ने इस कोरोना वायरस की, इस लॉकडाउन पीरियड में इस कोरोना वायरस की बीमारी के अंदर देखा कि पैसा काम नहीं आता, क्योंकि इंसानियत खत्म हो चुकी थी इस शहर से। और देश के अंदर, मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर, और इंसान को इंसान पहचानने का वक्त, मैं समझता हूं इस कोरोना वायरस का, ये जो महामारी आई और हमारे शहर के अंदर जो तेजी से कोरोना वायरस बढ़ा, तो हॉस्पिटल बंद, किसी को हम बहुत मौतबर नजर से देखा करते थे, शहर के कई डॉक्टरों को वो भी क्वारंटाइन, हॉस्पिटल बंद, अमीर पैसा लेकर जा रहा कि मेरा पेशेंट, मेरे घर का एक आदमी बीमार है, आप इसको एडमिट कर लो, इसको आईसीयू की जरूरत होगी, इसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, मैं 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं, तो उसके बावजूद भी हॉस्पिटल के अंदर उसकी एंट्री बंद थी। गरीब की तो फिर बात ही कहां, रुपया काम नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने यह भी शहर के अंदर देखा, इस शहर में, और अभी लॉकडाउन चल रहा है। मैं भिवंडी गया, मैं मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले मालेगांव शहर के बीओमएल डॉक्टर जितने भी हैं हमारे शहर में, अलग अलग मोहल्लों के अंदर। सबसे बड़ी वजह अगर मालेगांव शहर के अंदर कोरोना मुक्त होने जा रहा है हमारा शहर, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर के बीओमएल डॉक्टर ने अपना क्लिनिक को खोला और आवाम की खिदमत के लिए खड़े हुए रात और दिन। और मैं समझता हूं सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना मुक्त होने जा रहा है, ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए। मैं भिवंडी गया दो रोज पहले, वहां पर हमारे बिल्कुल यंग नौजवान जो बीओमएल, उन्होंने अभी अभी तालीम मुकम्मल की, कई लोगों की तो तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। दो कैंप वहां पर चल रहे थे, दोनों जगह डॉक्टर मौजूद थे। बहरहाल वो डॉक्टर ने मुझको नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे खिलाफ यहाँ आज एक पोस्ट तो चल रही थी कि मैं वहां पर गया। असल में कुछ लोगों को शेख आसिफ से ही एलर्जी हो गई है, शेख आसिफ भिवंडी कैसा चला गया। अगर मुझको अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा कि सिर्फ मैंने मेरा वजूद मालेगांव के अंदर नहीं बनाया, बल्कि महाराष्ट्र के हर कोने में, हर जिले के अंदर बनाया, अल्लाह का बहुत शुक्र। मुझे वहां के हिंदुस्तानी मस्जिद के ट्रस्टियान ने मदद किया, और दूसरे कैंप के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्पोरेटर उसने मुझको बुलवाया। मैं दोनों जो जगह गया, और मैंने वहां पर उन लोगों की सिर्फ हौसला अफजाई करके, उनके मसाइल को सुनकर, वहां के कमिश्नर से मिलकर उनके मसाइल को हल कर दिया, तो मालेगांव शहर के अंदर क्यों पेड़ दिखता है मेरे समझ में नहीं आता। बहरहाल वहां की आवाम, ये बात समझ में आई कि वहां की आवाम और मालेगांव शहर के बीओमएल डॉक्टर जब बैठे वहां पर, कैंप चल रहा है, 500-400 पीडी गली वो निकाल रहे हैं, तो हमारे बोले वो बता रहे थे कि हिंदू भाई जो दूर दराज से इस भिवंडी में रहते हैं, तो मस्जिद के अंदर आकर वो लोग ये बोल रहे हैं कि मालेगांव के डॉक्टरों से हमको इलाज करवाना है, और हिंदू भाई भी आकर उनसे इलाज करवा रहे। ये हमारे शहर का क्रेडिट, तो भिवंडी डॉक्टर सही मानों में खिदमत अंजाम हमारे दे रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि कल मेयर साहिबा को भाईगदा पंकज आसिया साहब, जो वहां के म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उन्होंने लेटर भेजा, और मेरी बातचीत हुई थी, मुझको कहा कि मैं लेटर भेज रहा हूं, आप लोग इसके अंदर मदद करेंगे। कल उन्होंने लेटर भेजा और ये डिमांड की कि मालेगांव शहर के 15 से 20 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीओमएल डॉक्टर जो मानदान पर है, वो आप लोग भिवंडी के अंदर भेजिए, ताकि हम लोग 5-6 कैंप रोजाना वहां चला सके और पूरे भिवंडी को कवर कर सके। और हम लोगों की तैयारी है कि उन लोगों को वहां भेजकर उन लोगों की मदद करना चाहिए। बहरहाल आज मैं मुबारकबाद देता हूं सोसाइटी के अराकीन को कि इस बस्ती के अंदर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हो। जरूर आज यहां पर इब्तिदा हो रहा है, तो आप लोग इस बस्ती की आवाम की खिदमत आप लोग करते रहे,
इंशाल्लाह जब भी आपको कोई भी जरूरत होगी मेरी हेल्प की, मैं आप लोगों के साना बसाना खड़ा रहूंगा। बहरहाल इतना जरूर अपील करना चाहूंगा कि कोरोना मुकम्मल खत्म नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूं कि मैं मास्क लगाया था और डॉक्टर साहब ने लगाया, बाकी लोग तो बिगैर मास्क के बैठे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कोरोना मुकम्मल तौर पर हमारे शहर में खत्म नहीं हुआ, तो मास्क लगाना हम लोगों को जरूरी है, एहतियात करना जरूरी है। अखबार के अंदर अलग बात है, खबरें नहीं आ रही है, लेकिन मैं पिछले 8-10 दिन से जब देख रहा हूं दिल्ली जो सिंपल दिए जा रहे हैं और उसकी जो रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव रिपोर्ट, तो मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम इलाके के अंदर हमारे अपने सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर रोजाना की रिपोर्ट के अंदर 7-8-9 पेशेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन अखबार के अंदर खबर छप रही है इसलिए आवाम को पता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकते कि कोरोना मुक्त हमारा शहर हो गया। इसके लिए हम लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। बहरहाल ये अल्लाह का बहुत करम और एहसान है मालेगांव शहर के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमारी इतनी मदद की कि जो महामारी के अंदर जो इतने हालात हमारे बिगड़े, आज जो मालेगांव को धुलिया हल्के का पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुभाष भामरे ये बोल रहा था कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम को धुलिया में नहीं लिया जाएगा इलाज के लिए, जो लोग नासिक के अंदर ये बोल रहे थे कि मालेगांव की आवाम को नहीं लिया जाएगा, आज अल्लाह का करम है कि वही लोग आज आकर मालेगांव शहर के डॉक्टरों की डिमांड कर रहे हैं और मालेगांव शहर का मंसूरा का काढ़े की डिमांड कर रहे हैं और लाइन लगा के। मेरे तालुकात बहुत वसी है, मैं समझ 20,000 पैकेट तो मैंने खुद मंसूरा में बोला हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप 20,000 पैकेट मुझे दो, मुझे औरंगाबाद देना है, नासिक देना है, भिवंडी देना है, मुंबई मीना रोड मुमरा देना है, पूना देना है, अकोला देना है। तो अल्लाह का बहुत खुसूसी करम है कि जो मालेगांव शहर को गलत नजर से देख रहे थे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज वही मालेगांव महाराष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ कि उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है और सबको मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये अल्लाह का बहुत करम है और मैं मानता हूँ कि हम सब लोगों का मुश्तरका शहर के अंदर, मैं समझता हूँ कोरोना इस महामारी से लड़ने का हम सब लोगों को क्रेडिट जाता, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ व्यूमेज डॉक्टरों को जाता जो अपना क्लिनिक को उन्होंने खोला और ये शहर की आवाम की उन्होंने लोगों ने खिदमत की, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आखिर में ये उम्मीद करता हूँ ग्रेड सोसाइटी से कि तालीमी साल भी अनकरीब शुरू होने वाला है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक, तो आप लोग 10वीं जमात के बच्चों का आप लोग ट्यूशन शुरू करना चाह रहे हो उसकी तैयारी कीजिए। बहरहाल अलग बात है कि तालीम दोस्त का खिताब आप लोगों ने मुझको दिया, लेकिन थोड़ी हमदर्दी कम होगी जरूरत, अभी बहुत ज़्यादा ऐसा लगाव नहीं है। बहरहाल अच्छे लोगों के लिए ज़रूर मैं आगे आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।